नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं कि WhatsApp आज की डेट में कितनी बड़ी एप्लीकेशन बन चुकी है, एंड जितने भी लोग हैं ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम लोग इस पर हैं। इसका आज की डेट में बहुत बड़ा यूज़ हो चुका है बिकॉज ये इतना ईजी इंटरफेस देता है एंड सब। एज सच मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, इस वीडियो को बनाने का बस मेरा एक मकसद है कि WhatsApp की तरफ से जो एक बड़ा अपडेट आने वाला है वो उसके बारे में आपको बता सकूँ। इस अपडेट में आप जैसे कि जो इंस्टा यूज़र्स हैं उनको थोड़ा ईजिली समझ में आएगा ये चीज़। आप एक इंस्टा अकाउंट से या इंस्टा हैंडल से आप जैसे ही एक फ़ोन में लॉगिन करते हैं पहले फ़ोन में, एंड आप सेम अकाउंट से दूसरे फ़ोन में लॉगिन करते हैं, तो जो पहले आप जिस फ़ोन में लॉगिन कर चुके हो तो उसमें कुछ भी वेरिफिकेशन नहीं मांगता या कुछ नहीं होता। आप दोनों डिवाइसेस पे अपना एक ही इंस्टा अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर सेम चीज़ अगर आप WhatsApp में करेंगे ना, तो WhatsApp में ऐसा नहीं होता था। पहले वाले डिवाइस से ऑटोमेटिकली वो वेरीफिकेशन मांगने लगता था जैसे आप दूसरे डिवाइस में वेरीफाई करते थे। तो ये चीज़ अब नहीं होगी, आप एक ही WhatsApp नंबर को कई डिवाइसेस में चला सकते हैं। तो ये WhatsApp की तरफ से बड़ा अपडेट है, देखते हैं इस अपडेट में और क्या क्या आएगा, एंड ये अपडेट जल्दी ही आने की उम्मीद है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए अपडेट अच्छा हो एंड कुछ के लिए अच्छा ना हो, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आएगा तो इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा। नोटिफाई होने के लिए नीचे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।